हॉरर कहानियां थी। चुड़ैल पार्ट वन। ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घने जंगल से घिरा हुआ भैरवगढ़ गांव काली पहाड़ी के ठीक पीछे था। काली पहाड़ी यानी मौत का घर। भैरवगढ़ गांव तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुर्गम था। लगभग 24 घंटे घने तूफान और तेज हवाओं की वजह से वहां के वीराने माहौल की कहानियां लोगों के दिलों को दहला देती थी। ऐसे बहुत कम लोग थे जो भैरवगढ़ गांव तक जाने की हिम्मत करते थे। लोगों का कहना था कि इस गांव के आसपास बुरी आत्माओं का साया मंडराता है। गांव के रहने वाले लोगों ने वैसे तो अपनी आंखों से किसी बुरी आत्मा या साये को नहीं देखा था, लेकिन गांव का बच्चा बच्चा इस बात को महसूस कर सकता था कि गांव के ऊपर कोई तो खौफनाक साया मंडरा रहा है। और उसकी वजह ये थी कि उस गांव में जैसे ही कोई लड़का 18 साल का होता, उसके 18वें जन्मदिन की रात ठीक 12 बजे अकस्मात उसकी मौत हो जाती। हर बार ये मौतें बड़े ही रहस्यमयी ढंग से होती, और इस बार सरपंच सुमेर के बेटे को 18 साल होने में अब बस 15 दिन बाकी थे। अजी सुनते हैं, हमारा बेटा भी कुछ दिन बाद 18 साल का हो जाएगा, कहीं वो डायन उसे भी खा गई तो। कैसी बातें कर रही हो, जब वो इस गांव में ही नहीं है तो कोई भी डायन या बुरा साया उसका कैसे कुछ बिगाड़ सकता है, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ जानती हूँ, आपने उसे पढ़ाई के बहाने इस गांव से बाहर निकाल शहर भेज दिया है, लेकिन ये भी तो सच है ना कि वो बार बार यहाँ आने की जिद करता रहता है। वो चाहे कितनी भी जिद कर ले जानकी, पर मैं उसे इस गांव में कभी वापस नहीं आने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि गांव के दूसरे लड़कों की तरह मेरे बेटे की भी अजीबोगरीब ढंग से मौत हो जाए। कभी कभी तो लगता है कि हम सब गांव वालों को हिम्मत करके अपने गांव को इस बुरी आत्मा से छुड़वा लेना चाहिए। लेकिन कौन जानता है आखिर वो खतरनाक साया किसका है, वो काली आत्मा कौन है जो रातों रात हमारे गांव के लड़कों को निगल जाती है। सुमेर और जानकी जब ये सारी बातें कर रहे थे तब रात के लगभग 10 बज चुके थे, और हर रात की तरह भैरवगढ़ गांव एक भयानक काले तूफान के आगोश में था। बाहर चल रही तेज हवाएं और बारिश के बीच कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई बुरी तरह से चीख रहा है। किसी के तड़पने और चीखने की आवाजें गांव के कानों में बार बार टकराती, पर वहां रहने वाले किसी भी औरत या आदमी के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपने घर से बाहर कदम रख के उन आवाजों तक पहुंच सके। सो जाओ जानकी, और घर के खिड़की दरवाजे कसकर बंद कर दो। अब जानकी सब खिड़कियां ठीक से बंद करने ही लगती है कि तभी उसे अपने घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाजें सुनाई देती है। इन आवाजों को सुनकर जानकी और सुमेर के चेहरे डर से पीले और हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। जानकी, जानकी, इतनी रात कौन होगा? पता नहीं, ऐसा लग रहा है कोई बुरी तरह से दरवाजा खटखटा रहा है। अरे हाँ, पर किसी की आवाज भी तो नहीं आ रही, क्या करूं, दरवाजा खोल लूं या नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। लड़खड़ाते कदमों से सुमेर दरवाजे के करीब जाता है और अपने कान को दरवाजे पर रख धीरे से आवाज देते हुए पूछता है, कौन कौन है, कौन है वहाँ? तभी एक बेहद डराने वाली आवाज उसके कानों से टकराती है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, वरना आज की रात इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा बेटा 18 साल का होने वाला है, अगर उसकी जान की जरा भी परवाह है तो दरवाजा खोल दो। इस आवाज को सुनते ही सुमेर घबराकर पीछे हट जाता है और जानकी को पूरी बात बताता है। कहीं वो डायन हमारे घर तक तो नहीं पहुंच गई, अब हम क्या करेंगे? मुझे दरवाजा खोलना ही होगा जानकी, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर सुमेर डर से अपनी दोनों आंखें कसकर बंद करता है
और कांपते हाथों के साथ झटके से दरवाजा खोल देता है। तभी किसी के जोर से हंसने की आवाज सुमेर और जानकी को सुनाई देती है। उस आवाज को सुन दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं और सामने अपने बेटे राहुल को खड़ा देख तंग रह जाते हैं। राहुल के हाथ में उसका मोबाइल होता है जिसमें से वो आवाज बज रही थी। ये क्या मजाक है? और तू यहाँ? तुझे मना किया था ना गांव में आने को, समझ में नहीं आता क्या 18 साल का होने वाला है तू? माँ, आप लोग भी पता नहीं किन अंधविश्वास भरी बातों पर भरोसा करते हैं। क्या क्या मैं अपने घर नहीं आ सकता? आप लोगों से नहीं मिल सकता? देख बेटा, हमने तुझे किसी वजह से ही इस गांव से दूर रखा था और यहाँ आकर तूने अच्छा नहीं किया। चल चल चल, मैं तुझे अभी के अभी वापस शहर छोड़कर आता हूँ। ओफो पापा, आप बेकार की बातों से परेशान हो रहे हैं। बाहर इतना तेज अंधर तूफान चल रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं बस आप लोगों से मिलने आया हूँ, कुछ दिन रहकर चला जाऊंगा। दिमाग खराब हो गया है इस लड़के का, नहीं जानता कि इस गांव में ये सुरक्षित नहीं है। किसने कहा था तुझे यहाँ आने को? ये आवाजें सुन, बाहर से जो आवाजें आ रही है तुझे सुनाई नहीं देती क्या? अरे माँ, जब जोर से तूफान चलता है, तेज हवाएं चलती हैं, तो इसी तरह की आवाजें आती हैं। ये बहुत नॉर्मल है माँ। नॉर्मल होगी तेरे लिए बेटा, 4 दिन शहर में पढ़कर आया है तो अपने माँ बाप की बात नहीं मान सकता। माँ माँ, मुझे अभी बहुत जोरों से भूख लगी है, पहले कुछ खिला दो और रात भी बहुत हो गई है, हम इस बारे में कल बात करते हैं, ठीक है? राहुल के वापस आ जाने से जानकी और सुमेर की आंखों की नींद उड़ गई थी। खाना खाने के बाद राहुल तो अपने बिस्तर पर जाकर सो गया, लेकिन जानकी और सुमेर पूरी रात उसके कमरे के बाहर पहरेदारी करते रहे। उन्हें पल पल इसी बात का डर था कि कहीं उनके बेटे को कुछ हो ना जाए। रात बीतती है, सुबह का सूरज निकलता है। अब जैसे ही वो राहुल को नींद से जागते देखते हैं तो उन दोनों के दिल को सुकून मिलता है। अरे माँ पापा, आप अभी तक यहीं बैठे हैं, क्या पूरी रात सोए नहीं? जिनकी जवान बेटी की जान को खतरा हो, उन माँ बाप को नींद नहीं आती। बेटा बेटा, अब तो वापस शहर चला जा। देखो माँ, मैं किसी जरूरी काम से इस गांव में आया हूँ और वो काम पूरा होने के बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। काम? गांव में तेरा क्या काम है? पापा, मैं बचपन से ही इस गांव के बारे में बेहद डरावने किस्से सुनते आया हूँ, इसीलिए अब मैं उन्हीं किस्सों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊंगा। रिसर्च करना चाहता हूँ कि आखिर सच्चाई है क्या। हे भगवान, लो जी सुन लिया, और भेजो इसे पढ़ने के लिए शहर। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मेरी बहन के पास दूसरे गांव भेज दो, ना ये शहर जाता और ना उल जुलूल की बात इसके दिमाग में आती। जानकी और सुमेर राहुल को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो किसी की बात नहीं सुनता और अपना कैमरा लेकर गांव के पास वाली काली पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। अब राहुल जैसे ही काली पहाड़ी पर पहुंचता है, उसकी नजर पहाड़ी के ठीक बीचों बीच बनी एक पुरानी झोपड़ी पर पड़ती है। यहाँ भी कोई रहता है क्या? ये इंटरेस्टिंग होगा। राहुल की आवाज पहाड़ों से टकराकर उसके कानों में सुनाई दे रही थी। उसने चारों तरफ का नजारा देखकर वहां की तस्वीरें अपने कैमरे में उतारना शुरू कर दिया। तभी अचानक राहुल ने अपने कैमरे में खींची हुई तस्वीर को जूम करके देखा और उसमें उसे जो नजर आया वो देखकर राहुल के होश उड़ गए। क्या सचमुच उस गांव के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया था? क्या राहुल की जान बच पाएगी? क्या देखा था राहुल ने उस फोटो में, जिसे देखकर वो दंग रह गया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।